ठेकेदार ने बहुत झगड़ा फसाद चाहा, लेकिन सभी व्यापारी भाइयों ने शांतिपूर्ण अपना योगदान दिया धरने में और हमें एक जायज दर पर ये हमारी समिति को सुपुर्द किया गया है। और ठेकेदारी उन्होंने खत्म कर दी है, पिछला जो ठेका वो बिल्कुल निरस्त हो गया है। जी, मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय विधायक उमेश कुमार जी का और माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी का और योगेश प्रमुख का। विभाग ने रियायती दरों पर हमें फिलहाल बाजार लगाने की अनुमति दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें, 6 सप्ताह से रुड़की में जो बुध बाजार लगता था वो नहीं लग पा रहा था। उनकी मांगे थी कि जो ठेकेदार है वो उनसे अधिक वसूली करता है, जिसको लेकर वह उनके खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। इनकी लगातार यहाँ के शासन प्रशासन के जनप्रतिनिधियों से वार्तालाप चल रही थी, जिसको उन्होंने मान लिया है। और हमारे साथ जो बुध बाजार समिति के पदाधिकारी व यहाँ के व्यापारी उनसे बात करेंगे, उनकी क्या वार्तालाप हुई है। लगातार आपका धरना प्रदर्शन चल रहा था, क्या मांग आपकी यहाँ के जो सिंचाई विभाग के अधिकारी और प्रशासन के और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे हुई है। देखो, पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने सभी जनप्रतिनिधियों का, ठीक है जी, उसमें माननीय उमेश कुमार जी का, माननीय प्रदीप बत्रा जी का और योगेश भाई का। इन तीनों का ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे बाजार लगवाने में हमारी सहायता करी। और रही बात विभाग की, विभाग ने रियायती दरों पर हमें फिलहाल बाजार लगाने की अनुमति दी है। जो रेवेन्यू उन्होंने दिया है वो निमिम है, उस पर हम जो है बुध बाजार लगा रहे हैं। बाकी आगे के लिए हमारी बात चल रही है उनसे। आपने बताया जो रेवेन्यू आप देंगे, आपके बीच में और विभाग के बीच में सहमति बन चुकी है चीज को लेकर? हाँ जी, अभी के लिए सहमति बनी हुई है हमारी, ठीक है सर। और ठेकेदारी उन्होंने ख़त्म कर दी है, पिछला जो ठेका वो बिल्कुल निरस्त हो गया है। उसके लिए भी मैं सिंचाई विभाग का भी धन्यवाद करता हूँ, जो एक्शन साहब उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह बता रहे हैं कि उनकी पूरी जो आपकी जो मांगे हैं उन पर मांग लिया गया है और अब जो ठेका प्रथा थी उसे समाप्त करके जो समिति के हैंड ओवर कर दिया है बुध बाजार। जी, मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय विधायक उमेश कुमार जी का और माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी का और योगेश प्रमुख का, जिन्होंने इन गरीबों की आवाज़ उठाई है और इस संघर्ष में जो गरीबों का साथ जाए, आभार व्यक्त है उन लोगों का। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारी फिलहाल हमारी समिति को सिंचाई विभाग ने कहा है, बाकी आगे की रूपरेखा भी चल रही है। किस तरह की रूपरेखा आगे चल रही है फिलहाल? वो अभी डिपार्टमेंट तय करेगा वो किस पर्पज से है, बाकी हमारी वार्ता उनसे चल रही है। आपको हैंड ओवर कर दिया कि आप बुध बाजार लगा लो? जी जी बिल्कुल, उनका धन्यवाद है जो उन्होंने गरीबों की आवाज़ सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। यानी कि ऐसा है कि जो आपको मतलब आपको एक भय था, एक डर था कि कोई आपको परेशान करेगा, तो वो वाली अब वो उससे मुक्ति मिल गई आप? अब कोई इस तरह की स्थिति नहीं रही है। और हमारे जो बाजार को लगवाने में जो हमारे पुलिस प्रशासन का जो वो भी सहयोग हमें प्राप्त होगा, और हमें खुशी है इस बात की जो हमें सिंचाई विभाग ने हमारी सुनी और हमें एक जायज दर पर ये हमारी समिति को सुपुर्द किया गया है। और हम इसको समिति के माध्यम समिति इस काम को करेगी, जो भी रिन्यू डिपार्टमेंट ने हमें जो बताया है हम उसको जमा कराने का कष्ट करेंगे। और सभी का धन्यवाद, हम जो हमारे सहयोग करा है हमारा, तो उन सब के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तो जो जो आप जो रेवेन्यू देंगे वो रियायती दरों पर दिया जाएगा? बिल्कुल रियायती दर पर देंगे, और रियायती दर आगे जो रूपरेखा चल रही है वो भी रियायती दर पर ही चलेगी और सही होगा, आगे भी जो सही होगा। अधिकारियों ने आश्वासन दिया, पुलिस धन्यवाद पुलिस प्रशासन का भी, SDM साहब का भी, कि इस शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन में कोई झगड़ा फसाद नहीं होने दिया। और ठेकेदार ने बहुत झगड़ा फसाद चाहा, लेकिन सभी व्यापारी भाइयों ने शांतिपूर्ण अपना योगदान दिया धरने में। और हमें आश्वासन भी मिला है शासन प्रशासन से, अधिकारियों से, जो उचित दर से धरने वो दिया जाएगा, उचित दर से आगे भी लिए जाएगा। तो जो पिछला ठेका था वो खत्म कर दिया? वो ठेका प्रथा खत्म कर दिया, आश्वासन दिया वो खत्म है बिल्कुल। तो आपकी समिति कलेक्शन करेगी अब जो भी है? समिति कलेक्शन करेगी ईमानदारी से, जो उचित होगा वही करेगा, किसी का उत्पीड़न नहीं होगा। ठीक है, तो आपने सुना यहाँ के जो व्यापारी हैं बुध बाजार के कह रहे हैं जो उचित दरों पर जो ठेका प्रथा इनकी अपने द्वारा की जाएगी, यानी कि अपने आप रेवेन्यू लेंगे और अपने आप ये सिंचाई विभाग के डिपार्टमेंट को जमा कराएंगे जिनकी जमीन पर ये बाजार लगा रहे हैं। और इन्होंने यहाँ के शासन में प्रशासन के जनप्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त करा है जिन्होंने इस धरने में उनका पूरा सहयोग दिया है।